मॉर्निंग, आज है थर्सडे और आज के मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मैंने सोचा था अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी बट मैं आज उठ नहीं पाई और उसकी वजह से मतलब लेट हो गया, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और अभी एक्चुअली कल मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया था। कल मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी बट नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए हो नहीं पाया। और अभी मैं पहले अपना किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं अपना जो बाकी का बेडरूम और ये वाला रूम है वो बाद में क्लीन करूंगी। तो जैसे आपने देखा कि नीरज स्कूल जा चुका है और आज हमें भी भूख लगी हुई थी, पता नहीं क्या था। एक्चुअली विनोद की तो कल से तबीयत खराब थी तो वो उठ गए थे 2:30 बजे से उठे हुए हैं और उन्होंने उठाया नहीं, तो चाय वाय भी उन्होंने बना ली थी, अपना काम लगे हुए थे तो उनको भी भूख लगी हुई थी और मुझे भी आज मैं उठी तो भूख लगी थी। तो हमने सोचा चलो एक एक पराठा तो बना ही लेते हैं। वैसे मैंने पराठा नहीं बनाया, स्टफ रोटी बनाई थी अपने लिए, तो हमने वो खाई है। और पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी, मतलब भूख लगी हुई थी लेकिन मैंने 2 स्टफ रोटी बनाई थी क्योंकि मैं 2 खा लेती हूँ बट एक ही खा पाई और एक भी मतलब मुश्किल से ही खत्म की है। वो इतनी जल्दी मतलब भूख लगती नहीं है, हैबिट नहीं है, तो जरा सी ऐसा लग रहा था कि भूख लगी हुई है तो मैं सोचा एक साथ काम भी खत्म हो जाएगा, मैं बनाई लेती हूँ। खैर विनोद ने तो कर लिया है बट अभी वो अपना काम कर रहे हैं और परी भी खेल रही है, तो मैं तब तक अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि कल मेरा किचन 7 बजे क्लीन हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी का जो मॉर्निंग रूटीन है वो स्टार्ट करूंगी। ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूंगी और उसके ऊपर अभी भी मलाई आ जाएगी जब ठंडा हो जाएगा, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी और थिक मलाई आएगी और फिर आप उसको निकाल सकते हो और स्टोर करके फिर आप उसके मक्खन बना सकते हो। तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं बाद में दिखाऊंगी बट अभी जैसे सिर्फ क्या करना है अभी मैं बताती हूँ मलाई कैसे बनती है। मलाई सिर्फ ऐसे बनती है, दूध को बॉइल किया उसको ठंडा होने दो, फ्रिज में रख दो, अपने आप मलाई आ जाएगी, इसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही होती है। और मेरी चाय बन गई है तो पहले मैं चाय पीती हूँ उसके बाद में काम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा मग और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ऐसे वाला मग मुझे बहुत पसंद है और ये मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी बट मिल नहीं रहा था। एक्चुअली जो लोकल मार्केट में मिलता है ना वो बहुत हैवी होता है और ये मैंने पेपर फ्राई से लिया है, कल ही आया है ये, और ये मतलब बहुत ही लाइट वेट है। उसमें तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर कुछ डाल दोगे आप तो बच्चा तो उसको उठा ही नहीं पाएगा, उसमें ऑलरेडी इतना वेट होता है, बट ये बहुत ही हल्का है, इतना हल्का भी नहीं है लेकिन उसके कंपेरिजन में तो हाफ भी नहीं है और इसलिए मेरे को अच्छा लगा। और ये मैंने 250 का लिया है, शायद बाहर भी 250 के अराउंड ही मिलता है। मैंने जब मैंने वहां से मैं दिल्ली गई थी तो वहां मैंने ट्राई किया था बट मुझे उनकी क्वालिटी और वो सब पसंद नहीं आया था, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने दिनों की जो मैं सर्च कर रही थी वो मुझे मिल गया और बहुत ही अच्छा है। हैप्पीनेस इज लविंग एंड बींग लव्ड। वैसे मैंने नीरव के लिए मंगवाया था बट जब नीरो पिएगा तो ठीक है, इसको शेयर कर लेंगे हम, तो चलिए एंजॉय करते हैं।
और आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। हो रखी है, अभी खाना खाया इसने। से हेलो, अभी डांस कर रहे, अभी सुन रहे थे, गाने सुन रहे थे, तो अभी डांस कर रही है। क्लैप क्लैप भी करते हो आप, हमको तो पता ही नहीं था भाई ये डांस स्टेप है इसका। अच्छा तो फ्रेंड्स, मेरा किचन क्लीन हो गया है और कल इसने मेरे को सारा दिन कुछ काम नहीं करने दिया। कल मैंने रात को 7 बजे बर्तन वॉश किए हैं अपने, है ना, है ना। और कल ये मतलब इतनी देर, 15-20 मिनट, बस इतनी देर, 2-3 बार सोए, बस इतनी देर कि मेरा कोई काम नहीं हुआ। और 7 बजे जाकर के मैंने कल किचन क्लीन किया है। अंदर वाला जो रूम था वो तो मैंने फिर भी क्लीन कर लिए थे थोड़ा, लेकिन वो भी 1 बजे के आसपास क्लीन हुआ है। और खाना मुझे 15-20 मिनट सोई, बस उसमें ही लंच बन पाया था। तो मैं कल मॉर्निंग से ब्लॉग बनाने लगी थी लेकिन हो नहीं पाया। और अभी आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे बर्तन हैं, क्योंकि मैंने रात को कल डिनर करने के बाद मैंने वॉश नहीं किए थे, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए थे। तो आज मैंने सोचा पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी वाले रूम क्लीन करूंगी। तो जो मेड थी वो झाड़ पोछा करके चली गई है, लेकिन मेरे जो रूम है वो अभी भी गंदे पड़े हुए हैं, मुझे इनको ठीक करना है। तो पहले मैं वो ठीक करूंगी और ये इसका इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बस पारी कर दो, पारी देना। आज के लिए ऐसे लड्डू बनी हुई है। कहा हुआ परी, डांसी डांसी डांसी। हाँ सबको बाय कर दो, बाय करो सबको। और मैं सोच रही हूँ ये सो जाए तो मैं कुछ काम करूं। बस लिपस्टिक लगा लो, उसके पीछे पड़ जाएगी। इयररिंग्स पहन लो, उसके पीछे पड़ जाएगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ये तो सोने वाली, अभी मुझे दिख नहीं रही थी, सोने वाली है। मैं काम स्टार्ट करती हूँ, मैं रूम क्लीन करती हूँ और उसके बाद देखते हैं। और ये जो आज का ब्लॉग है, आज थर्सडे है, और ये ब्लॉग मैं आज ही पोस्ट कर दूंगी शाम को, क्योंकि मैं आज अपना जो मॉर्निंग रूटीन है उसी का ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरे पास कोई वीडियो भी रेडी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉग बना के आज ही डाल देते हैं। कल मैं बना नहीं पाई थी इसलिए आज सुबह मिल गया, तो अब ये वाला ब्लॉग आपको आज शाम को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं परी लगी हुई अपने काम पे। और मेरे ये देखिए मेरे बेड की हालत क्या है। ये कपड़े, ये मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, ये वही अभी मैं उनकी तह लगाऊंगी और प्रेस तो मैं शाम को या दोपहर को करूंगी। तो फिलहाल मैं इसको ठीक कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ एक बात और डिस्कस करनी थी मुझे, मतलब क्या होता है ना कि पहली बात तो आप काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि विनोद क्या काम करते हैं। तो विनोद इंडस्ट्रियल मटेरियल सप्लाई करते हैं,
वो काफी टाइम से है इस बिजनेस में, तो ज्यादा तो मैं मतलब क्या बताऊं, जो इंडस्ट्री में लगता है सामान वो उनको डिलीवर करते हैं कंपनीज में। तो बट ये होता है कि आज जैसे विनोद की तबीयत खराब थी, मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको बता दिया ना, हाँ मैंने मॉर्निंग में बताया था सॉरी कि विनोद की तबीयत खराब थी। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे आप, जब मैं जॉब करती थी तो मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं फोन किया कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही, छुट्टी ले ली, अपना सो आराम से। लेकिन अपने काम में क्या होता है, आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको ही करनी होती है। और आपकी वजह से कंपनी में तो क्या होता है कि हमारी जगह पे और भी एम्प्लॉय होते हैं, वो सब काम कर लेते हैं, कंपनी रोकती नहीं है। बट जैसे जो विनोद का काम है उसमें उनको अपनी डिलीवरी देनी ही देनी है, वो बीमार है क्या है कुछ नहीं है, वो रुक नहीं सकता। हाँ ता 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 ड्रामे करते रहो बस इसके साथ, कुछ ना कुछ है ना, है ना, बातें मत करने देना। तो फ्रेंड्स यस, तो उनकी जैसे तबीयत खराब थी लेकिन उनको जाना पड़ा, तो मतलब काम करना है, तो मतलब काम करना है। मैंने उनको बोला था कि सो जाओ, तो कह रहे सोने से काम नहीं चलने वाला है। तो उनका ट्राई है कि वो जल्दी से काम खत्म करके आ जाएंगे दोपहर तक और फिर आके सोएंगे। तो उनको शायद वो हेडेक की वजह से हो रखा है, हेडेक को थोड़ा सा कोल्ड है उसकी वजह से। बट यही होता है, आपका अपना काम है तो आपको ही करना पड़ता है, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही उसको कोई कर सकता है। तो बस अभी विनोद गए हैं और मेरा काम रहता है, मैं ट्राई कर रही हूँ फटाफट से अपना काम कर लो और जब वो आए तो तब तक लंच रेडी हो जाए और वो आके खा के अपना सो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो। बट ये मैडम सोएंगी तो मैं कुछ काम करूंगी, ट्राई करती हूँ करने का। इसका फेवरेट है ना, परी का घोड़ा दौड़ा 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 दौड़ा, परू का घोड़ा दौड़ा 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 दौड़ा, परू का घोड़ा दौड़ा। शिवरात्रि है बट मैं फास्ट वगैरह नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नवरात्रि करती हूँ और करवा चौथ का व्रत करती हूँ, सिर्फ दो ही मैं करती हूँ। क्योंकि मतलब जब से माइग्रेन का इशू है तो हो नहीं पाते, मैं स्टार्ट भी करती हूँ बट दोपहर के बाद मेरी हालत ऐसी जाती है कि एडमिट करवाने वाली हालत होती है। तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है कि आप खुद को इतने प्रॉब्लम डाल करके फास्ट करो। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो श्रद्धा है, आपकी मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अगर आपकी तबीयत अलाउड करती है, आपकी बॉडी अलाउड करती है तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी अलाउड नहीं करती तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सब करें। ये मेरी थॉट है, बाकी मतलब मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कर रही, मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बता रही हूँ, इसलिए मैंने मतलब वो चीजें बंद कर दी।
कि मुझे लगा उससे मतलब ऐसा तो है नहीं कि भगवान आपको दुखी करके खुश होते हैं कि आप दुखी हो जाओ तो भगवान जी खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि आपके मन में आस्था होनी चाहिए, बाकी अगर आप ठीक है आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत किया है। शादी से पहले मैंने मतलब मैंने इतना हार्ड जो हार्ड वाले रूल्स के साथ होते हैं ना, मैंने फास्ट वैसे किए हैं, नवरात्रे वैसे किए, मैंने सारे व्रत मैं ऐसे करती थी, बट अभी बॉडी अलाउ नहीं करती, तो ठीक है ये मेरी थिंकिंग है यार, प्लीज अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं। अब करके दिखाना पड़ो अपनी नोटिंग किया, चलो डरा दो सबको, सबको डरा के दिखाओ, ऐसे डरा दिए विनोद ने सिखाया इसको, पता नहीं कैसे डराते हैं, डराना पड़ो एक बार सबको, देखो वो कैसे देख रहे हैं, डरा दो एक बार, बहुत क्यूट लगता है जब ये डराते हैं, पढ़ो डरा दो ना एक बार सबको। आप लोगों को नहीं करेगी, आप लोगों को नहीं डराएगी, समझदार है, सब मेरी इतनी तारीफ करते हैं, कोई मुझे कहेगा है ना। अच्छा चलो ठीक है बाय कर दो सबको, उधर है उधर, बस फैन दिखाती रहेगी, फैन कहाँ है, कहाँ है फैन, पानी दे ना, पानी दे दो, पानी दे दो फिर चलेंगे, पानी दो जल्दी से, मम्मा को पानी दो, बस ये इसकी पारी है, ऐसी नहीं थी पारी, अच्छी वाली पारी दो, अच्छा चलो आप सबको बाय कर दो, बाय करो उधर, बाय बाय उधर 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 उधर, हाँ उधर, कोई इसको चीज दिखानी होगी ऐसे उंगली करेगी, जैसे अभी करी ना ऐसे करेगी, वो देखो फैन, फैन के पीछे तो पगला गई है, चलो दूसरे ये वाला रूम हो गया, दूसरे वाले रूम में चलते फ्रेंड।
अभी। वाओ, अभी पता है क्या हुआ, इसके बैग का ये वाला है ये, और ये निकला हुआ था और ये पड़ा हुआ था इन सारे टॉयज के अंदर। तो मैं सेल डाल रही थी और परी ने क्या किया, सारे टॉयज में से ढूंढ के लेके आई इसको और इसके ऊपर लगा रही है। वाओ परी, वाओ, सो इंटेलिजेंट यार। मैं तो सोच में, मतलब मैं इससे पूछ रही हूँ, मैं एक सेल, दो सेल मिले मुझे, एक नहीं मिला, तो मैं पूछ रही हूँ कहाँ गया, मतलब मैं अपने आप बोलूँ कहाँ गया, और परी वो लेके आई है सारे टॉयज में से निकाल के उसको लेके आई और उसके ऊपर लगा रही है। वाओ यार। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा बताया था मिंत्रा से काफी सारी शॉपिंग की थी, तो ये वो शॉपिंग, बट मैं ये सबका सब वापस कर रही हूँ। ये है एक, ये पैकेट है, सोने के है, पता नहीं क्या हुआ है, एक बार पता नहीं क्या हुआ है, मतलब साइज में जैसे हमेशा ये, सॉरी शायद आवाज नहीं आ रही होगी, मैं जो साइज है वो हमेशा ये रिकमेंडेशन ही लेती हूँ, लेकिन सारे बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े आए हैं, तो पता नहीं क्या है, इसे मैंने वापस कर दिया और मैंने दूसरा ऑर्डर किया है। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, ये सब तो मैं वापस कर रही हूँ, और मुझसे पूछा था किसी ने कि ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब कैसे रहता है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग है, मैं सबका अलग अलग से करती हूँ, जैसे जो कपड़े परचेज करती हूँ वो मैं मोस्टली मिंत्रा और जोबांग से ही करती हूँ, और जो बच्चों के कपड़े जैसे परी के कपड़े हैं वो मैं फर्स्ट क्राई से लेती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं लेती। और अमेजोन से बाकी घर का, जैसे अमेजोन पेंट्री है उससे ले लिया, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में यूज होते हैं वो मैं अमेजोन से लेती हूँ या फ्लिपकार्ट से लेती हूँ, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है वो चीजें, और किचन का सामान है या बेड शीट्स है वो मैं प्रेफर करती हूँ पेपर फ्राई से, पेपर फ्राई की बहुत अमेजिंग होती है। मैंने मित्रा से ली है बेड शीट, ओके है, वो बुरी नहीं है, ओके है, बट जो पेपर फ्राई पे मिलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मुझे नियर अबाउट 4 साल हो गए, जो मेरी ब्लू वाली आज मैं बिछाई हुई है चादर ब्लू वाली, वो मैंने पेपर फ्राई से ली थी 4 साल पहले, लेकिन वो आज भी वैसे की वैसी ही है, मतलब बहुत अच्छा है। मैं उसका ब्रांड बताऊंगी आपको, वो वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, वो मिंत्रा पे नहीं था, मिंत्रा पे कल मैंने उसको देखा उसी ब्रांड, वो कल आया, कल से मिल गया मुझे मिंत्रा पे वो वाला ब्रांड, बट उससे पहले वो वाला ब्रांड उससे था नहीं। तो ऐसे मैं अलग अलग चीजें चूज करती हूँ, एक मतलब ये नहीं कि मैं एक ही चीज को, मतलब साथ एक ही वेबसाइट से सब चीजें ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप अलग अलग चीजें लीजिए, जैसे बिग बास्केट है, बिग बास्केट से हम अपना ये वेजिटेबल फ्रूट वगैरह लेते हैं, लेकिन मुझे मतलब जो गुड़गांव का बिग बास्केट है वो मुझे पसंद नहीं आया, बट एक कहते ना मजबूरी है, तो मजबूरी में मैं उसको ले लूँ। मैं बातें कर लूँ मैं बातें कि ना करूँ, तो बस फ्रेंड ऐसे ही है, आप सब चीजों को ऐसे चूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अमेजोन से मैं बहुत कम लेती हूँ मैं अमेजोन से चीजें, मतलब कपड़े वगैरह, शायद मैंने नीरा की टी शर्ट वगैरह ही ली है अमेजोन से, बाकी ले ली, बट टी शर्ट अमेजोन से जो मैंने ली वो अच्छी निकली है, अदरवाइज मैं मिंत्रा और जबोंग को प्रेफर करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 1:30 होने वाला है, बीच में मैं परी को संभाल लेने लग गई थी, तो मैं ट्राई करूंगी कि ये वाला ब्लॉग मैं आज शाम को ही पोस्ट कर दूं अभी एडिट करके। तो चलिए, अभी मुझे फिर लंच भी बनाना है, तो अभी हम दोनों नहाने जाएंगे। वैसे परी मतलब मॉर्निंग में जल्दी नहा लेती है, जब विनोद जाते हैं तो तब नहा चुकी होती है ये, लेकिन आज विनोद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और वो जल्दी में भी थे और उस टाइम पे सो गई थी, तो कई सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, इसलिए वो नहीं नहा पाई। तो अभी नहा लेंगे, क्या है यार, घर पे तो रहना है, इसी चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी के लिए, तो बाय 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 करके बाय बाय, मैं तो उधर कर रही हूँ बाय, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और आप देखिए परी को थोड़ी सी देर, नहीं तो आप लोगों की फिर शिकायत रहेगी कि मैं परी को नहीं दिखाया। लो भाई, ओहो सॉरी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है परू,
आज परू ने नाई नाई नहीं की, बस अब इसको डांस का शौक चढ़ा हुआ है। परू बाय कर दो सबको, ता 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 ता, हम पगलू हम बाय बोलते हैं। अच्छा चलो दिखाओ इधर क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? मखाना खा रही है, मखाना। परू को मखाना पसंद है? परू, परू को मखाना पसंद है सच में? तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, ओके फ्रेंड्स बाय।